수만 받아 이 조명에 담긴 अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। एक नए दिन का आगाज़ होता है बहुत ही खूबसूरत रंगों के साथ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ। समंदर भी आज काम है, मौसम भी प्यारा है एंड टेम्परेचर है टेम्परेचर 5 डिग्री है, जो कि अभी दिख नहीं रहा, यहाँ लिखा होता है। तो आज है हमारा क्रूज ट्रिप, 8:30 पे यहाँ से निकलना है। अभी 7:50 हो गए हैं, तो 40 मिनट्स हैं। कोशिश करता हूँ नीचे जाऊँ, 5 मिनट अगर मिल गए ब्रेकफास्ट के तो ब्रेकफास्ट कर लूँगा। जी तो रेडी हो गया हूँ और टाइम पूरा हो गया है, 3 या 4 मिनट रह गए हैं और बहुत सुकून में हूँ। हालांकि रोज़ जल्दी में होता हूँ, लेकिन सुबह सुबह रोज़ उठ उठ के ना अब यूज्ड टू हो गया हूँ। और सूरज निकल आया है और आज का टेम्परेचर बहुत मज़े का है, हर घंटे के साथ सेम फिगर बढ़ रहा है टेम्परेचर का। मतलब 8 बजे 8 डिग्री, 9 बजे 8 बजे खैर 6 डिग्री है, लेकिन 9 बजे 9 डिग्री हो जाएगा, 10 बजे 10 डिग्री हो जाएगा, 11 बजे 11 और फिर 12 1 2 पे बहुत अच्छा नाइस जाएगा, जो कि कह रहे हैं। लेकिन आज बेसिक क्रूज आज है, आज हमारी प्रॉपर क्रूज है जो हमने बुक करवाई हुई थी, क्रूज आज है। तो आज जा रहे हैं, बहुत फन होने वाला है और उसके साथ एक बहुत प्यारी मार्केट और बाजार लगता है, वहाँ भी वो लेके जाएंगे और मज़ा आने। पीछे दिन भी थोड़े रह गए और जो वाइब्स है ना वो बहुत अजीबो गरीब होने लग जाती हैं। हाँ जी जी, तो हमारा पायलट ट्रिप स्टार्ट होने को है, पहुंच गए हैं। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो शायद थोड़ी देर में बैठे। एक सेक्शन वो था पहले उधर थे गए, लेकिन वो बैक साइड है, बेटर तो इधर आए हैं। अभी थोड़े से घूंघट रहे हैं, थोड़ी देर में होश पकड़ते हैं, यहाँ से बोट निकलती है। यार मेरी कलमी जा रही है, अलग मैंने ये डबल पैदा हुआ उसके बावजूद। ये देखें क्रूज, यार सर्दी बहुत ज्यादा, या अभी लग रही है टेम्परेचर नीचे गिरेगा। क्या सीन क्या है इसका ना, तो बुक करवा ली थी क्योंकि क्रूज़ नॉर्मली ये होता है कि सी साइड पे लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके किसी अच्छे पॉइंट पे खड़ी करते हैं जहाँ पे आप स्विम वगैरह भी कर सकते हो। स्विम करने के बाद वहाँ पे सनलाइट लेते हो आप, थोड़ी म्यूज़िक चलता है और लंच वगैरह भी है हमारा बोट के ऊपर। तो अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत कोल्ड है और ये जो साइड है ये साइड भी बहुत बेकार है सी साइड, और मुझे लग रहा है कि ये सी साइड प्रॉपरली ये समुंदर के अंदर लेके नहीं जाएंगे। तो
अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, अभी इतनी जल्दी जजमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ये यहीं पर ही रखेंगे या आगे लेके जाएंगे। मैंने उससे पूछा तो नहीं है, लेकिन देखें पब्लिक भी बहुत कम अंदर बैठी हुई है। मेरे कल 12 लोग होंगे, 14 लोग होंगे टोटल, तो थोड़ा बेकार सीन थी, फिलहाल तो बेकार लग रहा है। और सर्दी बहुत ज़्यादा, 6-5-6 टेम्परेचर ही है स्टिल अभी तक, जो कि महकमा मौसमियात बता रहा था कि टेम्परेचर थोड़ा सा लो डाउन होगा, मतलब नाइस होगा टाइम बाय टाइम, लेकिन अभी तक तो सर्दी क्लास की है। हवा बहुत ठंडी है, हैंड मेरे फ्रीजिंग पे जा चुके हैं, इतने फ्रीजिंग पे तो वो ओलंपिक्स जब गए थे वहाँ पर भी ये वाली हालत नहीं हुई थी जो हालत मेरी अभी हो रही है। तो हाथ भी कांप रहा है, बहुत ठंड है। चलें यहाँ से निकलेंगे, आगे चलते हैं तो देखते हैं अगर कोई अच्छा सीन आया और अगर किसी अच्छे पॉइंट पे लेके गए तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी तक तो बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस है, टोटल बेकार। मैं तो पानी में जंप भी नहीं लगा सकता कि तैर के उधर निकला तो सीधा बाहर चल। ये इधर अभी इन्होंने टर्न की, कुछ ना कुछ तो करेंगे, देखें क्या करते हैं। हवा डायरेक्ट नहीं आ रही, मेरे ख्याल हवा चल रही थी इस साइड को और हमारी बोट जा रही थी इस साइड को, इस वजह से ज़्यादा कोल्ड लग रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा है। व्यू बहुत बोगस है, बैक साइड पे थे, बैक साइड पे थोड़ा आगे लेके गए थे, उधर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा था। खैर ये जो साइड आई है, इस साइड पे हवा समझ लें कि हमारी बैक साइड पे है, अपोजिट से आ रही है और हम जा भी इधर को रहे हैं। अच्छा समुंदर उस साइड पे है लेकिन रिवर इधर को जा रहा है, समुंदर उस साइड पे है। तो अभी या तो इसी साइड पे कहीं पे आगे स्टॉप आएगा जहाँ पे रुकेंगे। यहाँ लोगों ने देखें किस तरह से ये अपनी बोट्स खड़ी की हुई हैं और यहाँ ये फ़िशिंग भी करते होंगे। फ़िशिंग के साथ साथ यहाँ से ये आप अपनी प्राइवेट बोट, ये ज़्यादा फ़िशिंग वाली ही हैं जो दिख रही हैं। ये एरिया का नाम है मनावगत। तो बस अभी चल रहे हैं, आगे आगे देखें होता है क्या, कहाँ जाते हैं, कहाँ पे रुकते हैं। इंतजार कर रहा हूँ कब पानी में गिरेगा, तो मैं खुद इनसे रिवेंज लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि गिरे। जी लंच के लिए यहाँ पे रुका है 50 मिनट के लिए। Oh,
किस तरह मिलता होगा, आप ये चीज सोचें कि पानी यहाँ से बहाव इधर है और यहाँ से समुंदर की तरफ जा रहा है बहाव। अभी जनवरी खत्म हुआ है और फरवरी स्टार्ट हुआ है, तो इसके अंदर आप बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते कि अच्छा मौसम ऐसा होगा, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो बेस्ट है, वैसे ये मौसम बेस्ट है, गर्मी यहाँ पे 40 डिग्री तक चली जाती है, गर्मी का आलम ये होता है। एंटालिया सिटी जो कि तुर्की का 5वां बिगेस्ट सिटी है, इस पूरी टेरिटरी एंटालिया का मसला काफी देर से चल रहा है। यहाँ पर प्राइसेस बहुत ज्यादा बताई जाती हैं, उसके ऊपर आपको खुद थोड़ा सा मेक श्योर करना पड़ता है। इधर को आ रहा हूँ और मैंने पहने में अब कल मैंने टैक्सी करवाई है ओल्ड टाउन से, मैं गया था टूर के साथ, तो फिर हम वहीं पर ही उतर गए टैक्सी से, और उसकी रीज़न ये थी उतरने की कि ओल्ड सिटी का फिर हमें किराया देना पड़ना था और फिर वापस जाना पड़ना था, क्योंकि हम बैलक में रह रहे थे। ओल्ड सिटी से बैलक का रास्ता है अराउंड 40 to 45 minutes, तो फिर यही सोचा कि वहीं उतर जाएं। शाम 2:30 का टाइम था, 5 हमारी वापसी थी, तो हमने यही सोचा कि हम यहीं से ही सारी शॉपिंग वॉपिंग जो मारनी है तो वो मार के और फिर जो है ना एक ही बार चले जाते हैं। चलो एक साइड का किराया, अब किराए की बात मैं आपको बताने लगा हूँ। किराया उन्होंने जब मैंने टैक्सी से, टैक्सी का एक मैनेजर है वहाँ पे, ठीक है, उस मैनेजर से आपने बात करनी होती है और सारी टैक्सी वो ऑपरेट कर रहा होता है जो मेन उनका पॉइंट है, तो उसका अपना भी बीच में प्रॉफिट होता है, ऑब्वियसली 100% होता है। तो उसे जब मैंने पूछा, मैंने कहा भाई बैलक जाना है हमने लिमक अटलांटिस, तो कहता है 800 लीरा। अब उसने बोला 800 लीरा, मैंने कहा नो ब्रदर इज टू मच, तो बोलता है कि यू कैन गो बाय मीटर। अब मीटर मैं ये सोच रहा हूँ, एक बंदा मुझे 800 लीरा बता रहा है और एक तरह से वो कह रहा है बाय मीटर, और अगर बाय मीटर सस्ता होता तो वो फिर 800 लीरा क्यों मुझे बोलता। तो बाय मीटर में भी ये लोग धांधली करते हैं, फेकिज्म करते हैं। आपको इस चीज़ का खुद मेक श्योर करना है कि आप, अच्छा 800 उन्होंने बोला है तो गए हम कितने में हैं, उससे तकरीबन 5 या 6 मिनट मेरी आर्गूमेंट होती रही है। मैं उसको बोला है कि मैं पहले भी आया हुआ हूँ ये और वो ना, 450 लीराज पे उसकी डन हुई है उसकी मेरी, और वहाँ से हम निकले हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कहाँ 800 लीरा और कहाँ 450 लीरा, ज़मीन और आसमान का आधो आध का फ़र्क है। तो आप अगर तुर्की में आते हैं तो इस चीज़ को हमेशा मेक श्योर आपने रखना है कि प्राइस गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, शूज़ हैं, कोई और चीज़ ले रहे हैं, जिसकी प्राइस उसके ऊपर नहीं लिखी हुई, वहाँ पर आपने आँखें बंद करके वो 500-600 लीरा आपको बता रहे हैं ना, तो आप आराम से 200-250 नीचे गिरा दो। अगर वो आपको प्राइस बताते हुए नहीं ना शर्मा रहे तो यू डोंट नीड टू शाई एज वेल, आप भी अपनी प्राइस अपनी मर्जी की बताओ, उनको समझ आएगी ठीक है। और 80% ये लोग दोबारा आपको पीछे से आवाज़ देते हैं और फिर आपको थोड़ा सा 50 या 100 लीरा ऊपर बताएंगे और फिर कहेंगे इतने की ले लो। तो आपने शर्माना नहीं है कभी भी इनको रेट बताने में, आपने वो रेट बताना है जो आपको मुनासिब लग रहा है, जो आपको बेटर लग रहा है। अदरवाइज गोरे यहाँ आते हैं और गोरों ने इनके मुंह इतने को खोल दिए हैं, क्योंकि गोरे बार्गेन नहीं करते, वो सीधे पैसे दे देते हैं। 500 लीरा एक बुड्ढी का मांग रहे हैं। मैं ब्रांड से भी शॉपिंग की है, इनके जो प्रॉपर ब्रांड है टर्की के, इनका एक बड़ा ज़बरदस्त मॉल था। कल शॉपिंग के टाइम पे मैंने बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मेरा शॉपिंग का ही मूड था, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ शॉपिंग करूँ। तो मैंने इनकी ब्रांडेड, ये हुडी भी इनकी ब्रांडेड हुडी है ठीक है, फिक्स प्राइस थी, ये हुडी मैंने ली है कितने की, अराउंड 400 लीरास की। तो अगर आप गुची की, बैलेंसियागा की, किसी और की, अगर आप उसकी कॉपी ले रहे हैं, एक तो कॉपी ले रहे हैं, ऊपर से उन्होंने लोकल बनाया हुआ है, ब्रांडेड भी नहीं है, और उसके बाद क्या है, एक छोटे से छाबड़े के ऊपर बैठ के और वो उसका 800-900 या 1000 लीरा आपसे मांग लेते हैं, और आप भी शर्मो शर्मी 500-550 पे आके उनको दे देते। तो अगर आप टर्की आ रहे हैं तो मैं रेकमेंड ये करूँगा कि इनके लोकल ब्रांड्स पे जाएं, डिफेक्टो है, कॉटन है, और उसके अलावा काफ़ी हैं, कुर्तुज है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बजाय इसके कि इनकी लोकल दुकानों पे वो लोग बढ़ते टुकते ही हैं। तो खैर बातें करते करते मैं इस कॉस्ट के पास आ गया हूँ, तो अभी यहाँ से फिर अब मैं वापस चलता हूँ। ये बंदा यहाँ पे फिशिंग कर रहा है,
एक दो तीन चार पाँच छः लगाए हैं। मछलियाँ पकड़ेगा, घर लेके जाएगा, अपनी साथ में बाइक लेके आया। टेक केयर, बाय। देखे कहाँ लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह चलाते हैं। मेरा ख्याल है ये सेल करता होगा, इतने जिसने लगाए। मैंने पूछा तो बोलता है घर लेके जाऊंगा खाने के लिए। तो ये रशियन है। अच्छा, यहाँ पे रशियंस भी बहुत आए 50s, 60s, 70s में। यहाँ रशियंस में इंतहा आए और यहीं आके सेटल हो गए। ये भी रशियन है, लेकिन मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया और ऐसे ही सिस्टम। जी, तो ये रिमोट आइलैंड आपको कैसा लग रहा है ये बताएं। ये एक रिमोट आइलैंड है। रिमोट आइलैंड मींस एक छोटा सा आइलैंड जिसको समुंदर लग रहा है दोनों तरफ से, और इसको दोनों तरफ से रिवर भी लग रहा है। ये समुंदर का ही पानी है सेकंड साइड भी। एंड ये देखें, बिल्कुल क्लोज है, सब कुछ बंद है। ये वाला ट्रिप बोरिंग था, एक्चुअली बोरिंग था यार। इसकी जगह कुछ बेस्ट लोकेशन को और हम कर सकते थे बुक, लेकिन ओके है, अभी आगे तो आगे।